तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे चेयर को जो है कलर करके पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस डाइनिंग चेयर की पूरी कलर कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने इस चेयर को जो है हल्का सा पेपर मार देंगे एक बार। हमने जो इसको हमने कल जो कलर किया हुआ था, तो उसको हम एक बार अच्छी तरह से हल्का हल्का सैंड पेपर मार देंगे, ताकि थोड़ा सा इसके पहले जो एक बार कलर मारने के बाद रफ हो गया था, तो उसको थोड़ा सा फिनिशिंग हो जाए, तो इससे बारिश करने से अच्छा कलर आएगा। तो इसका सारे चेयर को जो एक बार अच्छी तरह से हल्का हल्का पेपर मार देते हैं, सैंड पेपर जो है वो मार देते हैं इसको अच्छी तरह से। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने सारे चेयर को जो है सैंड पेपर मारकर कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। तो अभी हम इसको फिर से कलर करेंगे अच्छी तरह से। हमने इस पर पहले एक बार ही कलर किया था, तो अभी हम इसको फिर से दोबारा कलर करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने ले लिया है स्प्रिट हाई ग्लोसी फिनिश जो बोलते हैं वो वाला। तो इसको हमने यहाँ पर जो चास बोलता है, इस पर मिलाना पड़ता है, तो चास को हमने यहाँ पर मिलाकर इसको रखा हुआ था पहले से। तो अभी इसको हमने देखिए, यहाँ पर हमने कलर को ढाल लिया है एक बाटी में। तो अब इसको हम कलर करेंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों, ये देखिए, कुछ इस तरह से हम कलर कर रहे हैं इसको। तो हम इसको ये स्प्रिट कलर जो है, हम इसको तीन बार मारेंगे। तो पहले एक बार मार चुका हूँ, तो फिर से और एक बार मार रहा हूँ ये। तो इस ये मार लेने के बाद फिर से और एक बार मारेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने सारे चेयर को कलर करके लगभग कर लिया है कंप्लीट। तो दोस्तों, ये देखिए, कंप्लीट कर लेने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर तीन बार इसका कलर करके कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हम इस पर टचवुड जो बोलता है वो वाला कलर करने वाले हैं यहाँ पर। तो हमने कलर करके तो रख दिया है अच्छी तरह से, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, बहुत गर्मी हो रहा है। तो इस गर्मी में जितना धूप में मारेंगे उतना ही कलर अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने ले लिया ये टचवुड जो बोलता है, वुड पॉलिश ये वाला ले लिया है। तो अभी इसको हम इसी से फिनिशिंग कलर करने वाले हैं। ये भी हम दो बार फर्स्ट एक कोट मारेंगे, उसके बाद सूखने देंगे अच्छी तरह से। सूखने के बाद फिर से इसको दोबारा मारेंगे। तो इसको अच्छी तरह से हम तीन बार करने वाले हैं इसका कलर। तो इसको तीन बार कलर करने के बाद ये बहुत ही अच्छा फिनिशिंग होगा। तो देखिए दोस्तों, हम मार रहे हैं कलर इस कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने कलर करके लगभग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने
सारे चेयर को जो है कलर करके पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, यह देखिए। और दोस्तों इसके जो डाइनिंग का टॉप जो है वो हमने अभी तक डाइनिंग टेबल जो है वो अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि उसका हमने पेयर बनाकर कंप्लीट नहीं किया, तो उसको हमने बाज़ार ले गया बनाने के लिए, तो इसको कार लेकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो बाकी ये चेयर तो हमने कर दिया है कंप्लीट। तो दोस्तों उम्मीद करता आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।